नमस्कार, आप रियासी जेके न्यूज देख रहे हो और इस वक्त मैं पौनी से आपको लाइव तस्वीरें जो है वो दिखा रहा हूँ। आज नवी का जो है वो जन्मदिन जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस वक्त ये तस्वीरें जो है वो पौनी से आप देख रहे हैं लाइव, और एक रैली के रूप में पूरे बाजार से होते हुए रैली जो है वो गुजरेगी। जिला रियासी के तहसील पौनी से हम लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं और सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। इस वक्त काफ़ी तादाद में जो हैं वो लोग जो हैं वो इस रैली में शामिल हुए हैं। ये रैली जो है वो कहां से कहां तक जाएगी, इसकी पूरी जानकारी जो है हम लोगों से लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं, इस वक्त ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें जो हैं वो पौनी से आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। नवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है मैं आपको बता दूं, पौनी के अपर बाजार मस्जिद से आपको दिखा रहे हैं ये रैली जो है वो कहां तक जाएगी। सीधी तस्वीरें जो है वो पौनी के मस्जिद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस वक्त भारी संख्या में जो है वो लोग जो है वो उस रैली में पहुंचे हैं। ये रैली जो है वो कहां से कहां तक जाएगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे और क्या आज का मेन मोटिव है, ये रैली जो है वो क्यों निकाली जाती है, पूरी जानकारी जो है वो इनके साथ बातचीत करके इनसे लेंगे। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग जो हैं वो इस रैली में पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये रैली जो है वो इस वक्त अपर बाजार पौनी से आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्यों ये रैली निकाली जाती है, क्या इसका मकसद होता है, इसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो लेंगे हम। देखिए, हाथों में तिरंगा लिए हुए भारतीय तिरंगे जो है वो इस वक्त हाथों में लहराते हुए ये रैली जो है वो जा रही है। कुछ अपने भी इनके धर्म के जो झंडे हैं वो भी लहरा रहे हैं और उसके साथ साथ तिरंगे भी लहरा रहे हैं। हाथों में भारतीय तिरंगे और अपने झंडों के साथ जो है रैली जो है वो निकाली जा रही है। आज इसका क्या मकसद है और ये रैली जो है वो कहां से कहां तक जाएगी, मौलवी साहब जी के साथ बातचीत करेंगे। मौलवी साहब, क्या सबसे पहले तो आपका आज बड़ा दिन है, इसके लिए आपको मुबारकबाद है, और ये रैली जो है वो आज निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक ये रैली जाएगी? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम। जनाब, ये पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक माह रबीउल अव्वल का ये महीना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आमद का महीना है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है। हर जगह जो है ये हमारे जुलूस चलते हैं, निकलते हैं, दुरूद व सलाम की महफिल होती है। इसी सिलसिले में हमने पौनी की सरजमीन में जामे मस्जिद पौनी से लेकर ये पूरी ज़ाहिर शरीफ तक हमने जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो है ये जुलूस रखा है, ये नबी का जुलूस है, और पूरी ज़ाहिर से फिर ये कलहाड़ मदरसे के अंदर जो है इख्तिताम हो जाएगा। वहाँ जो है हम इसकी लाश जो है दुआ करेंगे और हम सारे
हिंदू मुसलमान सिख जितने हैं सबको आज के दिन की मुबारकबाद देते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला पौनी के अंदर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो सिख हो सबको अल्लाह ताला अमन दे और सबको भाईचारे की जो है मिसाल अता करे और सबको अल्लाह ताला मिलजुल कर जो है अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। सर आज इसका मकसद क्या होता है? ये जन्मदिन होता है नबी साहब? ये हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, आज पैदाइश का जो है दिन है, इसलिए उसी खुशी में कुरान मुकद्दस के अंदर और शरीयत के मुताबिक हम जो है ये जश्न मनाते हैं, अपनी ईद मनाते हैं। आज सारे मुसलमान हिंदू सिख जो भी हैं हम सबको मुबारकबाद आज की जो है देते हैं। धन्यवाद जनाब। तो मैं आपको बता दूं ये रैली जो है वो निकाली जा रही है आज ईद उल नबी पे, नबी साहब का जो है वो जन्मदिन है, जोरों शोरों पे एक रैली जो है वो निकाली जा रही है। बहुत सारे लोग जो है वो उस रैली में पहुंचे हुए हैं। ये रैली जो है वो इस वक्त अपर बाजार है, ऊपर बाजार से होते हुए नीचे बाजार तक से गुजरते हुए सीधे मदरसे तक ये रैली जो है वो निकाली जाएगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं भारतीय तिरंगे और उन लहरा रहे हैं, उनके साथ साथ इन्होंने एक संदेश दिया है एकता और भाईचारे का। इस रैली में जो है वो सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं इस वक्त लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और अमन भाईचारे का संदेश जो है वो इस रैली के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है। और ये कहते हैं कि अमन भाईचारे का ये संदेश जो है वो एक रैली के द्वारा दिया जाएगा। आज नबी का जो है वो जन्मदिन जो है वो जोरों शोरों से पौनी की मस्जिद में जो है वो मनाया जा रहा है। तो इनका कहना है कि एक एकता और भाईचारे का संदेश इस रैली के द्वारा दिया जा रहा है। फिलहाल आप ये तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो उस रैली में पहुंचे हैं, भारतीय तिरंगे भी बीच में लहरा रहे हैं। और इस वक्त ये तस्वीरें जो है वो मैं आपको लाइव कवरेज जो है वो अपर बाजार पौनी से दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप किस तरह से झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं, भारतीय तिरंगा भी शान से जो है लहरा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उस रैली में पहुंचे हैं। काफी ज्यादा संख्या में आज जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। जी रैली की शेप में जो है वो पौनी अपर बाजार से होते हुए पीर बाबा पुरिया तक जाएगी और उसके बाद इनका कहना है कि ये रैली जो है वो मदरसे तक जाएगी। इसमें जो एकता और भाईचारे का संदेश जो है वो दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं आप देख सकते हैं अपने धर्म के झंडे और उसके साथ साथ भारतीय तिरंगा भी लहरा रहा है। जब से तेरे कान बजरे फैलाने लगे, जब से तेरे कान बजरे फैलाने लगे, आपको बता दूं उस तरह का आयोजन जो है वो पौनी में पहली बार देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में यहाँ पे लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी जो है वो उस रैली में शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपर बाजार से देख रहे हैं। ये रैली जो है वो अभी पौनी के बाजार से होते हुए मदरसे तक जाएगी और वहां पे समाप्त हो जाएगी। नारे तकबीर नारे रिसालत चल रहे मुस्तफा चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।